नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस डिफेंस एकेडमी तारानगर में। और दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 24 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको अंत तक बने रहना है और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं उनको अच्छे से आपको याद कर लेना है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, अच्छे से आपको देखना है और लास्ट तक आपको बने रहना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसके उत्तर के बारे में बात करते हैं, उसका उत्तर क्या होगा। मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आपको कि हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे फ्रेंड्स ने बिल्कुल सही बताया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा असम। असम में भारत का पहला गोल्डन बाघ देखा गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 23 जुलाई के करंट अफेयर के क्विक रिवीजन के बारे में, कुछ रिवीजन कर लेते हैं 23 जुलाई के करंट अफेयर का। पहले मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए थे, उनको मैं वन लाइनर के बेस में लाया हूं, तो अच्छे से इनको पढ़ लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। कल मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। तो नवीन रोजगार छतरी योजना किसने शुरू की थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। किसने की थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो उत्तर प्रदेश होगा, नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश। के बाद दूसरा क्वेश्चन था कि हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हो गया, वो कौन थे? रजत मुखर्जी कौन थे? एक बॉलीवुड निर्देशक थे। कौन थे? एक बॉलीवुड निर्देशक थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया। अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किसने किया था? यूएई ने किया था। किसने किया था? यूएई ने किया था। और ये फरवरी 2021 में मंगल के ऊपर पहुंचेगा, और जब अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगा ना यूएई, उसी टाइम क्या पहुंचेगा, ये होप मार्स मिशन है वो कहां पर पहुंचेगा? मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन था कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस कंपनी ने ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी एस्पायर नामक ई पोर्टल लॉन्च किया। उस कंपनी का नाम था आई कैट कंपनी। कौन सी कंपनी? आई कैट कंपनी ने ऑटोमोबाइल्स सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी एस्पायर नामक पोर्टल लॉन्च किया था आई कैट कंपनी ने। ठीक है। चलिए अभी अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन था वो था कि हाल ही में कौन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव नियुक्त हुए थे। तो उनका नाम है पी प्रवीण सिद्धार्थ आपका सही उत्तर था, जो रामनाथ कोविंद के क्या बने हैं? निजी सचिव बने हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन था कि हाल ही में फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, यह किस देश के हैं? आंद्रे सुरले किस देश के हैं? तो मैं आपको बता दूं, जर्मनी के हैं। किसके हैं? जर्मनी के, जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की और ये फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया। तो मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया था? रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। किसने किया था? रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोदर्पण पहल का शुभारंभ। ठीक है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना था 9वां क्वेश्चन कि हाल ही में सी एस शेषाद्री का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक महान गणितज्ञ थे भारतीय, सी एस शेषाद्री, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन बताया था 10 नंबर कि द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा। द एंड गेम नाम का जो उपन्यास जो लिखा था वो लिखा था किसने? हुसैन जैदी ने लिखा था। किसने लिखा था? हुसैन जैदी ने लिखा था। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कल भी मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की थी, आज फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया। चलिए, अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। तो कब तक की है ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को किससे जोड़ने की घोषणा की है, रेल से जोड़ने की घोषणा की है या फिर रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। तो वो कब तक ये अनुमान लगाया गया है कि नेटवर्क ये कंप्लीट कर लेंगे? तो 2023 तक। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा,
2023 तक सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा 2023 तक। इस क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करते हैं। बात करते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और रेलवे मंत्री का नाम है पीयूष गोयल। रेलवे मंत्री का नाम पीयूष गोयल है और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष उनका क्या नाम है, विनोद कुमार यादव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव, ध्यान रखना विनोद कुमार यादव। फिर हम बात करते हैं आरपीएफएस महानिदेशक। आरपीएफएस महानिदेशक कौन है, तो ध्यान रखोगे आप अच्छे से, आरपीएफएस जो महानिदेशक है वो है अरुण कुमार। कौन है, अरुण कुमार, ठीक है। उसी प्रकार से आप ध्यान रखोगे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई। कौन थे, जॉन मथाई। उम्मीद कर सकते हो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भारतीय रेलवे क्या है इसके बारे में अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है, 2023 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है। यानी जो आशा और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की गई है वो किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, तो ध्यान रखो ओडिशा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, ओडिशा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ओडिशा सरकार के द्वारा। बात ओडिशा की करते हैं तो ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश का नाम है मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन देने की घोषणा किसने की है, ओडिशा सरकार ने की है। चलिए अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल थे। किस राज्य के राज्यपाल थे दोस्तों, मध्य प्रदेश के। किसके थे, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। यानी जब उनका इलाज चल रहा था तब ही क्या कर दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं जिनका नाम है आनंदी बेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, ठीक है। अब लालजी टंडन का निधन हो गया, अब भी कौन है, अब भी कौन है राज्यपाल मध्य प्रदेश की अतिरिक्त राज्यपाल, तो ध्यान रखना यही है आनंदी बेन पटेल। कौन है, आनंदी बेन पटेल। अच्छा मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल का नाम लालजी टंडन नहीं रहा है, लालजी टंडन अब नहीं रहा है, लालजी टंडन अब नहीं रहा है, ठीक है ना। चलिए भाई, हाँ अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है, अजय कुमार मित्तल। क्या नाम है, अजय कुमार मित्तल। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेरी जर्मन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है। बेरी जर्मन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है, ठीक है ना। चलिए भाई, हाँ उनका संबंध किससे है तो मैं आपको बता दूं, उनका जो संबंध है वो आपको बताना है। तो उसका जो संबंध है वो आप अच्छे से ध्यान रखोगे, उनका जो संबंध है बाबू वो है क्रिकेट से। किससे है, क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, बेरी जर्मन, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मैच रेफरी बेरी जर्मन का निधन हो गया। जर्मन ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट क्रिकेट में क्या किए थे, टेस्ट क्रिकेट में 19 मैच खेले थे, किसकी तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ठीक है। और 50 कैच भी लेने में क्या हुए थे, ये सफल हुए थे। इसके साथ साथ 400 रन भी बनाए थे 19 टेस्ट मैचों में, इसमें इन्होंने 400 रन बनाए और 50 क्या किए थे, कैच लिए थे, क्योंकि ये विकेट कीपर थे और ये मैच रेफरी भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, बेरी जर्मन का निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया है, तो ध्यान रखना 2022 तक के लिए। कब तक के लिए,
2022 तक के लिए, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, 2022 तक के लिए आईसीसी ने यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 वर्ल्ड कप को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के द्वारा इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पुरुषों के T20 विश्व कप को COVID-19 के कारण स्थगित करके 2022 में आयोजित किए जाने की आधिकारिक घोषणा की है। अब कब होगा, 2022 में होगा, कब होना था, इसी साल अक्टूबर नवंबर में होना था, लेकिन अब नहीं हो पाएगा COVID-19 के कारण। कब होगा, 2022 में होगा। हम यहां पर बात करते हैं आईसीसी की, आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हिंदी के अंदर। स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी, मुख्यालय दुबई के अंदर है, इसके सीईओ का क्या नाम है, मनु साहनी, और अध्यक्ष का नाम है शशांक मनोहर। ये सारी बातें आपको आईसीसी के बारे में ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मालदीव ने किस देश के साथ माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने की के लिए समझौता किया है। तो मालदीव ने किस देश के साथ माले के अंदर, अपनी राजधानी माले के अंदर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, भारत के साथ मालदीव ने अपनी राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए क्या किया है, समझौता किया है। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, भारत ने सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस देशों को चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ और आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है, और उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया है, सागर नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, सागर ऑपरेशन। तो सागर ऑपरेशन किसके लिए चलाया गया है, सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव और कोमोरोस जो देश हैं उनको चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए, खाद्य पदार्थ प्राप्त प्रदान करने के लिए और आयुर्वेदिक जो दवाएं होती हैं वो प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा है सागर ऑपरेशन। मालदीव की बात करते हैं, मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा का नाम मालदीव रुफिया है, मालदीव रुफिया, राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली है, मालदीव के राष्ट्रपति हैं। उम्मीद कर सकते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने COVID-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। COVID-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा किस बैंक ने की है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएनबी बैंक ने किया। किसने किया, पीएनबी बैंक, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई पीएनबी बैंक के बारे में बात करते हैं, COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर्स वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, और इसके एमडी और सीईओ का क्या नाम है, एस एस मल्लिकार्जुन राव इसके क्या हैं, एमडी और सीईओ हैं। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी, सूरज कदे मर्दा नहीं ये पुस्तक किसने लिखी है, इस पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना, सूरज कदे मर्दा नहीं ये पुस्तक का नाम है, इस नाम की पुस्तक किसने लिखी है, तो मैं आपको बता दूं ये जो लिखी है ये बलदेव सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है, बलदेव सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसने लिखी है, बलदेव सिंह ने लिखी है। चलिए भाई बलदेव सिंह ने, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उद्धम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है। अच्छा किसके ऊपर लिखी गई है, उद्धम सिंह के ऊपर लिखी गई है ये पुस्तक, किसके ऊपर लिखी गई, उद्धम सिंह के ऊपर। पुस्तक का नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं। किसने इसको प्रकाशित किया, यूनिस्टार्स ने इसको प्रकाशित किया। ध्यान रखना यूनिस्टार्स ने इसको क्या किया है, प्रकाशित किया है। उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जुआन मार्से का निधन हो गया वो कौन थे, जुआन मार्से कौन थे जिनका निधन हो गया, तो मैं आपको बता दूं वो एक उपन्यासकार थे। क्या थे, उपन्यासकार, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, उपन्यासकार जुआन मार्से का क्या हो गया, निधन हो गया। चलिए अभी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, उनका सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यास है उसका नाम आपको याद रखना है, जुआन मार्से का जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है उसका नाम है अल्टीमास ट्रेंड्स ऑन टेरेसा, ये उपन्यास है
जुआन मार्शे का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। तो कब प्रकाशित हुआ था? 1965 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1965 के अंदर 1965 में प्रकाशित अल्टीमास ट्रेंड्स ऑन टेरेसा नाम का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो किसका था? जुआन मार्शे का था, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? अभिनेता सोनू सूद ने किस ऐप को लॉन्च किया है श्रमिकों की मदद के लिए? श्रमिकों की मदद के लिए सोनू सूद ने कौन से ऐप को लॉन्च किया है? तो मैं आपको बता दूं, प्रवासी रोजगार ऐप, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रवासी रोजगार ऐप पे लॉन्च किया है सोनू सूद ने, प्रवासी ऐप लॉन्च किया है, प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है सोनू सूद ने प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? उर्वरक वितरण कार्यक्रम किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, यह क्वेश्चन आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में, कॉमेंट बॉक्स में आपको कॉमेंट करके बताना है। ठीक है बाबू, चलिए तो उम्मीद कर सकता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को दबाना है और वीडियो को शेयर भी करना है। इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहते हैं। चलिए दोस्त अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।